हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी के लिए एक तरफ से गुड न्यूज़ है क्योंकि रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है और रिजल्ट के बाद ही आपको भर्ती परीक्षा देखने को मिलेगी। जैसा कि आपने देखा, DSSB ने अपने एग्जाम के डेट को रिलीज कर दिया है। बहुत जल्द जो है PRT की वैकेंसी आने वाली, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आने वाली, अदर अदर फील्ड में आने वाली है। बट आपके काम की क्या है, एक है DSSB, दूसरा है सुपरटेट, ठीक है। तो सीटेट रिजल्ट के बाद ही भर्ती देखने को मिलेगी। कौन कौन इसमें बैठ सकता है, कौन कौन पेपर दे सकता है, वो आपको जानना चाहिए और आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है दोनों के लिए, और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, प्लस UPTET का भी बताने वाली हूं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें क्योंकि यहां से आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। देखो, अगर आपके 90 नंबर है तो आप DSSB में बैठ सकते हो क्योंकि वहां पे सीटेट के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हाँ, बट ये है कि अगर आप अदर स्टेट के हो, आपके 82 नंबर है, तब तो आप नहीं बैठ सकते हो क्योंकि वहां पे 90 नंबर चाहिए, आप जनरल में काउंट होते हैं। बट अगर आपके केवल 82 नंबर है और आप सुपर टेट में बैठना चाहते हो, तो इस बार हर हाल में ये कन्फर्म है कि सुपर टेट की वैकेंसी आपको 2023 के लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो 82 नंबर है, OBC SC ST से है तो आप बैठ सकते हो, बट जनरल के लिए वही है, 90 नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके इतने भी नंबर है तो आप उसके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। वैसे भी अभी सुपर टेट का कंफर्म नहीं हुआ है कि 1/4 नंबर जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, वो आपको UPTET के नोटिफिकेशन से ही पहले क्लियर हो जाएगा। तो मान लो अगर नंबर जुड़ता भी है तो आपका एक बार तो पेपर होना ही है ना UPTET। तो अगर आप सुपर टेट की प्रिपरेशन करोगे ना, तो आराम से आपके उसमें 120-125 आ जाएंगे क्योंकि वो जो 5 सब्जेक्ट है वो सुपर टेट में भी इंक्लूडेड है। कुल मिलाकर मैं आपको यही चीज बोलना चाहूंगी, अगर आपका सीटेट और UPTET आपको लगता है कि यस 90-82 उसके क्राइटेरिया में आप आते हो, तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए DSSB की, क्योंकि आपकी जो ओपनिंग है ना वो DSSB से ही होगा। अगर इन लोगों ने लेट नहीं किया तो सबसे पहले आपको DSSB की वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसके बाद से UPTET, फिर आपको सुपर टेट, सीटेट भी होगा ही, बीच में और भी अदर स्टेट के भी एग्जाम्स होंगे ही। आप चैनल से जुड़े रहना, मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी कौन सी वैकेंसी कहां पर आ रही है, आप वहां पर अप्लाई जरूर करना, ओके? तो DSSB और सुपर टेट का, जैसे कि कल बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मेरा सीटेट क्लियर हो चुका है, आगे किसकी प्रिपरेशन करूं, मैं आपको यही बोलूंगी आप DSSB का करना स्टार्ट कर दो क्योंकि पहले आप उसी में बैठोगे और इनका प्रोसेस भी बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी ये लोग एग्जाम भी ले लेते हैं, ज्वाइनिंग भी दे देते हैं। सुपर टेट के कंपेयर में इनका बहुत अच्छा है, स्पीड बहुत अच्छी है इनकी। तो DSSB की प्रिपरेशन करोगे ना तो सुपर टेट आराम से हो जाएगा क्योंकि उसका लेवल बहुत हाई होता है DSSB का। सुपर टेट में वैकेंसी बहुत अच्छी खासी आने वाली है, वहां पे सबका मतलब आराम से हो जाएगा। आराम का मतलब ये नहीं कि बिना पढ़े, पढ़ना पड़ेगा ही। सबसे पहले आपको प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट आपको चाहिए होगा, एंड कोर्स वोर्स के लिए आप लोग जो लोग बोल रहे थे, अभी मैं थोड़ा सा उस पर एनालिसिस कर रही हूँ, बहुत जल्द मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी कि आपको कहाँ से कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करो ना, एक प्रीवियस पेपर लगाओ, नहीं है तो टेस्ट बुक की फ्लैश सेल चल रही है 24 घंटे के लिए अवेलेबल है, 24 घंटे के बाद इनकी प्राइस बढ़ जाएगी। ईयरली टेस्ट बुक पास है, एक साल के लिए मिलेगा, 399 का प्राइस है, बट अगर आप मेरा GKC कोड यूज करोगे तो आपको 359 में पड़ेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर लेना। और हाँ, जैसे आप पेमेंट करोगे ना तो आपको ऊपर जो है ऐसे कूपन कोड ऐसे लिख कर आता है, वहाँ पे GKC लिख देना, प्राइस कम हो जाएगी। और इसमें सारे एग्जाम्स के बहुत सारे बच्चे यहाँ से करते हैं, इस बार भी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट किया है और उनका पेपर भी बहुत अच्छे नंबर से निकला है। यहाँ पे हर एक एग्जाम का मिलेगा, सोल्यूशन भी मिलेगा। कुछ लोग बोले थे सोल्यूशन नहीं होता है, क्या सोल्यूशन भी होता है। आपको अपना रैंक पता चलेगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस सब कुछ पता चल जाएगा। तो प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट यहाँ से लगाना स्टार्ट कर दो, समय बहुत कम है, आज से ही कोशिश करो। अब इंतजार मत करो रिजल्ट का, आपको तो पता ही ना आप पास हो चुके हैं, तो रिजल्ट तो वैसे भी आ ही जाना है। तो मैंने सब कुछ बता दिया है, इसके बाद भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना, मैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।